हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आई डिवाइसेस का बैकअप अपने पीसी में या फिर मैक में कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे कि आपकी इमेजेस, वीडियोज, आपके प्लेलिस्ट हो गए, म्यूजिक हो गए, या फिर आपके कॉन्टैक्ट हो गए, SMS हो गए, इन सब का बैकअप अगर आप लेना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आप आसानी से कैसे ले सकते हैं। और अगर आप अपने कंप्यूटर से अपने आई डिवाइसेज जैसे आईफोन, आईपैड या आईपॉड में कोई भी डेटा डालना चाह रहे हैं, जैसे आप सॉन्ग्स डालना चाह रहे हैं, कोई प्लेलिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट डालना चाह रहे हैं तो उसको भी आप आसानी से कैसे डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक वंडरशेयर नाम की वेबसाइट है, ये अपने सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, इनका एक सॉफ्टवेयर है ट्यून्स गो रेट्रो। आपने क्या करना है, इस जो पेज का लिंक है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहां पर से अगर आप ट्रायल का वर्जन लेना चाहते हैं तो ट्रायल ले सकते हैं, अगर आप इसको खरीदना चाहें तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, यहां पर से इसमें क्लिक करना होगा, और जैसे ही यहां पर से क्लिक करेंगे तो यहां पर से इसकी जो डाउनलोड फाइल है ये आपके उसमें आ जाएगी, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लिया है, मैं आपको चला के दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वंडरशेयर ट्यून्स गो रेट्रो, इसको हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। जैसे हम इसको लॉन्च करेंगे ये हमसे बोलेगा कि आप अपना जो आईफोन है, मतलब आई डिवाइसेस है, जैसे आईफोन है, आईपैड है या आईपॉड है, इसको कनेक्ट करने को बोलेगा। हम इसको क्या करते हैं, अपने पीसी से, कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर लेते हैं डेटा केबल के थ्रू। ठीक है, यूएसबी जो केबल आपके पास आती है उससे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके जो आईफोन है, आई डिवाइस है, उसमें ये ट्रस्ट करने के लिए एक पॉपअप आएगा, आप उसमें ट्रस्ट में क्लिक कर लीजिए। जैसे आप ट्रस्ट में क्लिक करेंगे तो ये सिंक्रोनाइज कर लेगा आपके फोन को, आपके फोन में जो जो डेटा है वो सारा का सारा ये आपको पीसी में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया। अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, उसके बाद होम में ही आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप अपना जो म्यूजिक है उसको आईट्यून्स में जो है कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से आईट्यून्स में कॉपी कर सकते हैं। अगर आप अपने पीसी में किसी फोल्डर में सारा का सारा म्यूजिक कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप उसको वहां पर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी दो आई डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जैसे आईफोन से आईपॉड में या आईपैड में आप करना चाह रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मीडिया का आपके पास एक ऑप्शन होता है। मीडिया में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना भी आपके उसमें सॉन्ग्स हैं वो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर से कोई सॉन्ग ऐड करने हैं तो यहाँ पर से आप अपने पीसी से इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से मुकेश का कोई सॉन्ग जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सॉन्ग है ये जो ऐड है ये यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर आपने कुछ डिलीट करना है अपने फोन से तो यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये म्यूजिक जो है ये ऐड हो चुका है। आपने अगर इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर से सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर से अगर आपने सारा का सारा म्यूजिक जो है उसको एक्सपोर्ट करना है अपने डिवाइस में, तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको आईट्यून्स के लाइब्रेरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट का आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगर आपने प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पर से सीधे इसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ ABC, कोई भी प्लेलिस्ट ले लेते हैं और इस प्लेलिस्ट को हम खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर से अगर आपने म्यूजिक इसमें ऐड करना है तो यहाँ पर से ऐड आइटम में आप क्लिक करके इसको, जैसे यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इतना म्यूजिक जो है इसको अपने पीसी से इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए फटाफट क्या हो रहा है, ये इसमें से पीसी से जो है हमारे आईफोन में जो है म्यूजिक जो है वो ट्रांसफर हो गया और तीन यहाँ पर प्लेलिस्ट बन गई है, ABC जिसमें सात गाने हैं और ये बाकी दो यहाँ पर है। अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर से आप इसमें डिलीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये जो है डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट हो गया, मीडिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोटोज का एक ऑप्शन है। फोटोज में क्या है, आपके पास जितनी आपकी प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके आप एक फोटो में आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। फोटो में जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास सारी की सारी फोटोज जो है यहाँ पर आ रही हैं, जैसे यहाँ पर कैमरा रोल है और उसके बाद यहाँ पर जो आपने रिसेंट डिलीट किए हैं वो यहाँ पर है। सेल्फी का अलग से बन जाता है इसमें फोल्डर, वीडियोज का अलग बन जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पर जो है आपके पास बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम कैमरा रोल पर जाते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर से जितने भी कैमरा रोल, जितने भी हमने फोटो खींची हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। और मैं यहाँ पर से आपको GIF बनाने दिखाता हूँ। GIF भी आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हम कुछ फोटोज जो हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका हम क्या करेंगे GIF बनाएंगे। जैसे ये फोटोज हैं, ठीक है, यहाँ पर से हम कुछ फोटोज जो हैं सेलेक्ट कर लेते हैं
यहाँ पर तक कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये फोटोज जो है सेलेक्ट करी, उसके बाद राइट क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर GIF मेकर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से GIF मेकर में यहाँ पर से चले जाएंगे या फिर यहाँ पर से सिंपली यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है GIF मेकर। तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो सारी की सारी इमेज जितनी आपने सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आउटपुट साइज देना है। अगर आप इसका आउटपुट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर से जैसे मैं इसको 300 कर देता हूँ, ठीक है, 300 मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट GIF में क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट GIF में क्लिक करेंगे यहाँ पर से देखिए जो भी इसकी लोकेशन आपने दी होगी यहाँ पर से आप इसकी लोकेशन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये जो 3 डॉट है इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसकी लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पर भी आप इसको सेव कराना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो GIF है ये क्रिएट हो रही है और काफ़ी बढ़िया से GIF बन जाती है। इमेजों से आपको लगेगा कि एक अच्छी सी एनिमेटेड जो है वो इमेज जो है आसानी से बन जाती है। फिर उस इमेज को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप उसको गूगल प्लस में आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक में आजकल GIF का चल रहा है तो आप फेसबुक में डाल सकते हैं। लेकिन फेसबुक में अभी GIF जो है वो इमेज जो है वो GIF सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले कुछ टाइम पर ये करेगा, ठीक है। जब करेगा तो उस समय भी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इमेज जो है बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, ओपन विद हम करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक अच्छी सी यहाँ पर एनिमेटेड एनिमेशन जैसी जो है बन गई है इन सब के सब इमेजेस के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ये देखिए ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इससे GIF भी आसानी से बना सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं आप यहाँ पर से आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट्स में आपके कॉन्टैक्ट जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं तो आप उनको भी आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने दो अलग अलग नाम से सेम फोन नंबर सेव कर रखा है तो आप उसको अगर रिमूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको भी आसानी से यहाँ पर से कर सकते हैं। और यहाँ पर से आप अगर अपने फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट नया ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से देखिए ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में आप इसकी डिटेल्स डालिए और उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक करके उसको सेव कर लीजिए। और डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट अगर आपने डिलीट करने हैं तो यहाँ पर से देखिए डुप्लीकेट जो कॉन्टैक्ट हैं उसको आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इसको ये इसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट होंगे वो सारे के सारे आपको उठा के ले आएगा। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है मतलब किसी फाइल में सेव करना है तो आप यहाँ पर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है SMS का। अगर आप यहाँ पर देखिए सारे के सारे SMS आपको दिख जाएंगे और SMS को भी आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है टूल किट। आपने क्या करना है, टूल किट में क्लिक करेंगे और जैसे टूल किट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप बैकअप ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स का, बैकअप ले सकते हैं अपने फोटोज का, बैकअप ले सकते हैं अपने SMS का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप इम्पोर्ट कर सकते हैं गाने जो हैं आपके फ़ोन आपके लैपटॉप से या आपके मैक से, आप यहाँ पर से इसमें गाने जो हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं, वीडियोस जो हैं उनको भी इम्पोर्ट कर सकते हैं और GIF जो है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट अगर आपने फाइंड करने हैं तो आप उसको भी आसानी से यहाँ पर से कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करिए और मुझे लिख के बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।